हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। में लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था एक्स और गेट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स नॉर गेट। ओके, सो एक्स नॉर गेट का आपका सिंबल क्या होता है? एक्स नॉर गेट का आपका सिंबल होता है कि डॉट साइन रहता है उस पर सर्कल हो जाता है, एक डॉट रहेगा उस पर सर्कल हो जाएगा। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका होता है, आपने इनपुट दिया ए और बी, आपको आउटपुट मिला एफ। ठीक है, इसके बीच में ये सिंबल आपका एक्स नॉट का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो क्या रहा है यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एफ। अच्छा, एक बात और आपको जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि XNOR गेट जो होता है वो XOR गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। आई रिपीट, XNOR गेट जो है वो XOR गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसा क्यों? चलिए इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपका a प्लस b प्लस a बार b बार है, अगर आप इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दें, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, किसके इक्वल है आपका? ए एक्स नॉर बी के इक्वल है। ठीक, इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू जब ये ओपन होगा तो आपके पास आ जाएगा ए बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये फर्दर ओपन होगा तो आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, प्लस ए प्लस बी। समझिए बात को, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी। अब इसके बाद एक मिनट, सॉरी, जब ये आपका हटेगा, जब ये आपका प्लस साइन है ना, ये जब ये बार नीचे आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, जब ये बार नीचे आएगा कॉम्प्लीमेंट तब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ए कॉम्प्लीमेंट ए जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए आपका जीरो है। ठीक है, उस केस में a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब 0 इंटू 1 0। अगर आपका a 1 भी है तब भी a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट तब भी क्या हो जाएगा? 0, मतलब 1 इंटू 0। ठीक है, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आपका 0 होता है, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद a कॉम्प्लीमेंट b बचेगा प्लस a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट a प्लस b कॉम्प्लीमेंट b, b कॉम्प्लीमेंट b भी आपका जो है 0 हो जाएगा। आपका बचेगा क्या? a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट a। अच्छा, a और b का जब आपने कॉम्प्लीमेंट दिया था तब आपको ये मिला था, और इसको फर्दर सॉल्व करने पर हम लोग को ये मिला। ये आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है? ये a xor b के इक्वल होता है। Hence, आपका a xor b इक्वल होगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स और बी के, मतलब कॉम्प्लीमेंट आप किसी भी साइड ले सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं एक्स और एंड एक्स नॉर। ओके, सो दिस डिस्कशन को हम लोग, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आपका, पायलट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बेसिस पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एक्स नॉर गेट का। एक्स नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, जैसा कि आपने एक्स और गेट बनाया था वैसा रहेगा। बस देखिए, एक्स नॉर मतलब कि बबल लग रहा है आगे, ओके, और दो इनपुट हैं इसके ए और बी। देखिए, ए और बी में बस रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूँ, आप चाहे एक्स वाई वाई जेड डब्ल्यू एक्स इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, और मैं एफ भी एज अ फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप f के लिए o ले सकते हैं, फॉर आउटपुट कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल सुनो कि तभी तो उनका नाम है वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये इटसेल्फ इनकी वैल्यू, मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन ही वेरिएबल है। ओके, इनकी वैल्यू तो वेरिएबल है ही, इनका रिप्रेजेंटेशन भी आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये सिंपल था, a और b आपने x नॉर गेट में दिया, आपको f मिला। f क्या आपके इक्वल है? f आपके a x नॉर b के इक्वल है, जो कि फर्दर बोलने पर b b + a बार b बार होता है। चलिए अब हम ट्रुथ टेबल इसके एग्जामिन करते हैं कि 0 0 इनपुट पर देखते हैं क्या आएगा। देखिए, 0 0 इनपुट पर a 0 b 0 प्लस a 0 कॉम्प्लीमेंट इनटू b 0 कॉम्प्लीमेंट।
वन हो जाए, इवन हो जाए, वन इंटू वन वन होता है, ओके। तो ये आ जाएगा वन। अच्छा जीरो वन पर क्या आएगा, देखिए जीरो लिया आपने वन लिया, प्लस आपने जीरो लिया वन लिया, देखिए ये तो आपका जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट वन इंटू वन कॉम्प्लीमेंट जीरो, मतलब कि वन इंटू जीरो आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ गया। सिमिलरली अब आपका वन जीरो है, वन जीरो प्लस वन कॉम्प्लीमेंट इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस वन कॉम्प्लीमेंट जीरो इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट वन, मतलब जीरो इंटू वन जीरो इक्वल टू जीरो। अब देखिए वन वन पर क्या आ रहा है, वन वन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट, देखिए वन वन पर जो वन है वो वन प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन होता है, वन प्लस जीरो वन, तो आपका लास्ट में भी वन आ गया, ओके। सो ये देखकर हम लोग को क्या पता चला कि देखिए एक्स नॉट जो है वो सेम पर वन दे रहा है, एक्स नॉट जो है सेम इनपुट पर वन दे रहा है और डिफरेंट इनपुट पर जीरो दे रहा है। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको लर्निंग के लिए एक टूल चाहिए तो ये ट्रिक हो सकती है कि सेम पर वन देता है एक्स नॉट गेट, और एक्स नॉट होता है एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आपने आपको याद होगा कि एक्स और क्या करता था, एक्स और सेम पर जीरो देता था और डिफरेंट पर वन देता था, लेकिन एक्स नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट है इसलिए सेम पर वन दे रहा है, सेम पर वन दे रहा है और डिफरेंट पर जीरो दे रहा है। सो इतना सा डिस्कशन था हम लोग का एक्स नॉट गेट पर, हम लोग के सारे गेट कवर हो चुके हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, जहां पर हम लोगों ने हर एक टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, मैं तो ये चाहूंगा। ओके, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है हम लोग कुछ गेट का डिस्कशन करेंगे, उसको आप रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्विचेस, ओके, जो कि आपके प्रोजेक्ट